Padliya from Mumbai. I am giving you the recipe of bread roll without bread. I thanks to the Sarvesha group to give me a chance in this contest. It is sponsored by the Ghanshi Furniture and Chairs Industries. ये एक कप पोहा लिया है मैंने, इसको मैं पानी से दो बार धो दूंगी। अभी इसमें मैं मोवे के लेवल तक गर्म पानी डाल दूंगी और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी रोल में स्टफिंग के लिए मैंने ये मैश डालू लिया है। ये मैश मटर और तीन कलर का कैप्सिकम है, रेड, येलो एंड ग्रीन। इसको हम ये मसाले हैं, गरम मसाला, नमक, पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्ची, खोपरा खमण, अदरक पेस्ट, हरी मिर्ची पेस्ट, अमचूर पाउडर, हरा धनिया, हींग पाउडर और ये है रोटी का क्रम्स। अभी हम करेंगे, थोड़ा सा तेल रखा है मैंने। मैं थोड़ा सा मैं हींग पाउडर डालूंगी। हरी मिर्ची डाला है, अदरक का पेस्ट डाला है और ये मटर और कैप्सिकम क्रश हुआ डाल रही हूँ। इनको हम थोड़ा सोटे कर लेंगे। दो मिनट हम इसको सोटे कर लेंगे। ये ब्रेड रोल बड़े हेल्दी हैं, इनको हम फ्राई भी नहीं करेंगे, इनको हम तवे पे रोस्ट करेंगे और इसमें एक कटलेट की 15 से 20 कैलोरी के बीच में आती है। ये बहुत हेल्दी है, जो डाइट कंट्रोल करते हैं उनके लिए ड्राई नाश्ता बहुत अच्छा है। थोड़ा खोपरा डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सोते करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं सेकना है। अब इसमें हम सब मसाले डालेंगे, गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्ची डालेंगे, जीरा, इसमें हम मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से हिला देंगे। धनिया हम डाल दिया है, हरा धनिया डाला है, इसको अच्छे से हमने हिला दिया है। ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। रोटी कटलेट हम ठंडा मसाला फिलिंग करना पड़ता है। अभी इधर हमने जो पोहा देखा है, पोहा हमारा ऊपर फूल गया है, इसको अभी हम जल्दी में डाल देंगे। इसका जो एक्सेस पानी है वो निकाल देंगे।
फिनिश कर लेंगे। प्लेट में पोहा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। ये हाथ में पानी लगा के हम इसको हाथ में ही ऐसे फैला देंगे। और इसमें हम मसाला फिल करेंगे और इस तरह से उसका गोल बना देंगे। इसको अभी हमने ये रोटी के क्रम्स बनाया है, इसके अंदर इसको लपेट देंगे। अभी हमारे ये सब रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। एक चम्मच हम तेल डालेंगे अभी दूसरी साइड से भी हम इसको इसे तेल लगा देंगे और आगे पीछे सब बाजू से ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे। अभी हमारे ये कटलेट्स रेडी हो गए हैं, कुरकुरे भी हो गए हैं। अभी हम इनको निकाल देंगे। तो हम 2 पीस में भी कर सकते हैं। अभी ये कटलेट्स रेडी हो चुकी है। आप सब वीडियो पर लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें और मुझे जिताने की कोशिश करें। आप इसको इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और मुझे जिताने की कोशिश करें। थैंक यू।